नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रसूति निष्णात। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो महिलाएं अक्सर किसी डॉक्टर को बताने में हिचकिचाती है और इस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र होती है और सोचती है कि शायद इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बॉडी में स्ट्रेस आने पे हंसने, छींकने या ज़ोर से कोई आवाज़ करने पर पेशाब का लीक हो जाना, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम है वो अक्सर बुज़ुर्ग महिलाओं में देखा जाता है या ऐसी महिलाएं जिनकी दो या उससे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज हुई है या जिनको डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हुई है, उन महिलाओं में अक्सर पेशाब अपने आप लीक हो जाता है। उनका पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, ब्लैडर कंट्रोल थोड़ा वीक हो जाता है। जब भी ऐसी महिलाएं कोई भारी काम करती है, जैसे कोई भारी चीज़ उठा ली या एकदम ज़ोर से खांस दिया या एकदम ज़ोर से छींक आ गई या एकदम ज़ोर से हंस दिया, तो पेशाब अपने आप लीक हो जाता है, उनके कपड़े थोड़े बिगड़ जाते हैं, पर वो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है ऐसा मान के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस प्रॉब्लम से जूझती रहती है अकेली अकेली, और इससे बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनकी ख़राब होती है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? बॉडी पे किसी भी तरह का स्ट्रेस इंक्रीज होना जिसकी वजह से पेशाब का अपने आप लीक हो जाना। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कई प्रकार हैं। सबसे पहले आता है बॉडी में स्ट्रेस का बढ़ना, यानी ज़ोर से छींकना या हंस देना या खांसी होना और उस वक्त पेशाब का लीक हो जाना। दूसरा आता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसके अंदर आपको पेशाब जाने की एक अर्ज होती है, आप बाथरूम तक पहुंच नहीं पाते, बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही पेशाब लीक हो जाता है। और तीसरा होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कंटिन्यूसली पेशाब आपका लीक होता रहता है, कंटिन्यूसली आपका कपड़े बिगड़ते रहते हैं। ये प्रॉब्लम के लक्षण कौन कौन से हैं, पहले इस बारे में बात करते हैं। नॉर्मल पेशाब करने में महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब भी जैसे मैंने आगे बताया बॉडी पे किसी स्ट्रेस का इंक्रीज होना होता है, तब पेशाब अपने आप लीक हो जाता है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो मैंने आगे बताए तीन इनकॉन्टिनेंस, उसमें सबसे कॉमन है। पहले हम जानेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला कारण है महिला का एज होना। एज होने की वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। इस हार्मोन की कमी होने के वजह से ब्लैडर के जो सपोर्ट होते हैं, जो स्फिंक्टर्स होते हैं, उनका फंक्शनिंग कम हो जाता है, वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो यूरिन रोक नहीं पाते हैं। दूसरा कॉमन रीज़न है डिलीवरीज़। अगर आपकी दो या दो से अधिक डिलीवरी हुई हो या डिलीवरी के समय फोर्सेप्स या वैक्यूम, जिसे हम कहते हैं पंप लगा के बच्चा खींचना या चीपिया लगा के बच्चा खींचना, उस दरमियान कोई इंजरी हुई हो और तब उसका रिपेयर न किया गया हो, तब आगे चलते हुए आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। दूसरा कि जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से, जो बुज़ुर्ग महिला है, उनको रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लैडर स्फिंक्टर वीक हो जाता है, या फिर आपको कोई पेल्विक की कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से नर्व इनर्वेशन में प्रॉब्लम हुई होती है और उसकी वजह से भी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। ये प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं में अधिक इसलिए देखी जाती है क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है, जहाँ से पेशाब निकलता है, वो 3.5 से 4 सेंटीमीटर ही होता है। पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं में यूरेथ्रा छोटा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम महिलाओं में अधिक देखी जाती है। अब इस चीज़ को कैसे पता लगाया जा सकता है? पहले तो आपको ये हेजिटेशन छोड़ के अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आप लीक करते हो, आपका यूरिन कंट्रोल में नहीं होता है। ये शर्म वाली कोई बात नहीं है, इसको लेके ओछा फील करने की ज़रूरत नहीं है, इसका 100% सॉल्यूशन मिल सकता है। सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताइए कि आप ऐसे लीक हो रहे हो, आप स्ट्रेसफुल जब कोई भी काम करते हो तो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जब आप ये डॉक्टर को बताएंगे, तब डॉक्टर आपके बेसिक की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहले पेशाब की जांच करवाएंगे, फिर मासिक की जगह एग्जामिन करेंगे कि आपको प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है, यूट्रस बाहर तो नहीं आ रहा है, फुल ब्लैडर करके आपका एक एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि आपका ब्लैडर कितना यूरिन रोक सकता है, कितना छोड़ सकता है।
उसके बाद आता है यूरोफ्लोमेट्री, जिससे 100% डायग्नोसिस हो सकता है कि आपका जो स्पिंटर है वो रिपेयर करने लायक है या नहीं, या उससे कंट्रोल अच्छा वापस फ्यूचर में डेवलप हो सकता है नहीं हो सकता। ये सारे टेस्ट बहुत ही ईजी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? अगर डिलीवरी की वजह से ऐसी कोई इंजरी हुई हो और उसकी जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा नहीं हो, तो आपको नॉर्मली एक एक्सरसाइज सिखाई जाती है जिसे हमारी लैंग्वेज में कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। वो एक्सरसाइज आपको फिजियोथेरापिस्ट बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। यूट्यूब पे कई वीडियोस भी है कीगल्स एक्सरसाइज के जो आप रिफ़र कर सकते हैं। दूसरा आता है पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो फिजियोथेरापिस्ट आपको सिखाते हैं। यह एक्सरसाइज ये याद रख के करना होता है कि आपको 3 से 4 महीने लगातार रोज करनी पड़ेगी। ये एक्सरसाइज के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस जगह बैठे हो, जिस जगह लेटे हो, वहीं पे कर सकते हो। दिन में 3 बार करनी पड़ती है और 3 महीने तक करनी पड़ती है, उसके बाद उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। दूसरा है, आपको अगर पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा है, एकदम से ज़्यादा लीक हो जा रहा है, तो आपको कंट्रोल करने के लिए कोई दवाइयाँ दी जा सकती है। दवाइयों से भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। लास्ट में अगर आपका एक्सरसाइज करने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये यूरिन लीक की प्रॉब्लम नहीं ठीक होती, तो एक बहुत ही छोटी सी सर्जरी होती है जिसे ट्रांस ऑब्चुरेटर टैप कहते हैं, जिसके जगह आपकी पेशाब की जगह एक टेप बिठाई जाती है। इस ऑपरेशन के लिए कोई बड़ा रिस्क नहीं होता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा लंबे समय तक एडमिटेड भी नहीं रहना पड़ता है। सुबह एडमिट होके ये प्रोसीजर करके आप दोपहर को शाम को घर जा सकते हो। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस महिलाओं में अक्सर बहुत कॉमन है और इसका सॉल्यूशन भी है, तो आप कभी भी ये प्रॉब्लम को बताने के लिए अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के आगे शर्माइए मत, खुल के अपनी प्रॉब्लम बताइए जिसकी वजह से आपको इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम से जुड़ी कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो हमें अवश्य लिख भेजिए। थैंक यू।